बस स्टैंड बाजार सगड़ा में लगे वैक्सीनेशन बूथ पर आज 118 लोगों ने लगाई बूस्टर डोज। बर्फबारी अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कोविड टीकाकरण जारी रखने वाले दो फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिला प्रधानमंत्री का प्रशंसा पत्र। सगड़ा में आज भी 3 लोग पाए गए कोविड पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस स्टैंड बाजार सगड़ा में लगाए गए कोरोना वैक्सीनेशन बूथ पर आज कुल 129 लोगों द्वारा वैक्सीन लगाई गई, जिनमें से 118 ने प्रिकॉशन अथवा बूस्टर डोज लगाई। बाजार में कोऑपरेटिव बैंक के समीप लगे उप बूथ पर इससे पहले गुरुवार को कुल 152 लोगों ने एंटी कोविड वैक्सीन लगाई और अस्पताल मुख्य बाजार से करीब 2 किलोमीटर दूर होने के चलते स्वास्थ्य विभाग के इस ट्रांजेक्ट बूथ पर आमदनियों से ज्यादा अथवा काफी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को इस बूथ पर 3 लोगों ने पहली तथा 8वीं सेकंड डोज भी लगाई। गौरतलब है कि कल दिसंबर व जनवरी माह में स्वास्थ्य कर्ण सगड़ा के ऊपरी हिस्सों में बर्फ पड़ने के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोविड वैक्सीनेशन अभियान जारी रखा गया और ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अप्रिसिएशन लेटर भी मिल रहे हैं। जानकारी के अनुसार संगड़ा में कमला व संदीप नामक हेल्थ वर्कर को पीएम के हस्ताक्षर वाले प्रशंसा पत्र मिल चुके हैं और कुछ और कर्मचारी भी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अप्रिसिएशन लेटर मिले हों। गत सप्ताह से एक बार फिर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और संगड़ा अस्पताल में हुए सैंपल में से आज भी 3 रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। जानकारी के अनुसार इससे पहले बुधवार को 4 तथा गुरुवार को 1 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इलाके में कोरोना संक्रमण जारी होने तथा बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के बावजूद लोग अब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल के प्रति लापरवाह दिखाई दे रहे हैं और मुख्य बाजार अथवा बस स्टैंड के साथ साथ सरकारी दफ्तरों में भी अब लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं और सैनिटाइजर की बोतल अथवा शीशियां भी अब नजर नहीं आ रही है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य कर्ण सगड़ा की 44 पंचायतों को सेवाएं देने वाले सगड़ा अस्पताल अथवा सीएससी में डॉक्टर, फार्मासिस्ट व पीएमओ सहित कई पद खाली पड़े हैं और कल ही स्वास्थ्य संस्थान का निरीक्षण कर चुके हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल यहां डॉक्टर के नए पद सृजित करने व वैकेंट पोस्ट फिलअप करवाने का भरोसा दे चुके हैं।